ऊपर ले जाने की बात कही जा रही है और मुल्क को ऊपर आना भी चाहिए क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हम सब लोग मिलकर एक नए भारत का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाह रहा था इसी आसिफ की बात को आगे लेते हुए कि चार चैनल भले ही है लेकिन हमको इस वक्त 138 कंट्रीज़ के अंदर देखा जा रहा है, तो सबसे बड़े नेटवर्क पर इस वक्त आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। असगर गोदरावाला जी, मैं आपकी जब पर्सनैलिटी देखता हूँ और आपकी जो बायोग्राफी में देखता हूँ या कभी भी आपसे जब कभी बात करने का मौका मिला है, आज मैं आपसे पर्सनली रूबरूबर हुआ हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जब शुरुआत की थी, एक शुरुआत 8x8 की खोली से शुरू हुई और आज इतनी बड़ी शख्सियत बन गई है, मैं चाहूँगा कि कैसा वो एक्सपीरियंस है और कैसे आप उस चीज़ को डिलीवर कर पा रहे हैं। देखिए साहब, मुश्किलात तो हर इंसान को आती है और जैसा अभी मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ यहाँ पे भी है कि बहुत जन ज़ीरो से ऊपर उठ के आए हैं, तो मैं भी वैसा ही एक इंसान हूँ जो ज़ीरो से स्टार्ट करके आज यहाँ तक आया हूँ। तो अगर हमारे में पेशेंस है, काम करने की लगन है, तो हम डेफिनेटली हर इंसान हर चीज़ वो कर पाता है जो हम दूसरे में ढूंढते हैं। अगर हम हमारे में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमें कुछ करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हम दूसरे में हमेशा नुक्स ढूंढते रहते हैं, हम हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम को बदनाम करते हैं, हमारे देश को बदनाम करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं दिया, ऐसा नहीं था, ये पॉलिसी गलत थी, अगर हम हमारे इसमें झांक के देखें हम क्या करेंगे, हमने हमारे देश के लिए क्या किया, हमने हमारे सोसाइटी के लिए क्या किया, तो डेफिनेटली हमें हमारा आंसर मिलेगा। और हर इंसान, कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं है, डेफिनेटली संघर्ष है, तकलीफ होती है, पर नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, उसे कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, देर है पर अंधेर नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही असगर साहब ने, उन्होंने कहा आप शिकायत हमेशा ये करते हैं, हमेशा आपको शिकायत रहती है, देश ने क्या किया, समाज ने क्या किया, आप खुद से पूछिए आपने क्या किया देश के लिए।